नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी स्पेशल रेमेडी कान के छेद के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपका कान का छेद कितना ही बड़ा क्यों ना हो और चाहे आपको ही कुछ उपायों से आपको दिक्कत हो, तो उनसे भी उनके अकॉर्डिंग आपको ये बहुत ही स्पेशल उपाय बताने वाली हूँ मैं आज। तो जानते हैं क्या उपाय है वो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं पिंकी सिंह आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल ब्यूटी गर्मा को स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जानते हैं कैसे आपको अपने कान के लिए रेमेडी बना के अप्लाई करना है। हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी रेमेडी। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए आपको ये प्लेट लेना होगा इस तरह से, और उसमें आपको ये आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, जैसे का सरसों का ऑयल लेना है। तो आपको सरसों का ऑयल लेना है, आपको आप आधे चम्मच आपके हिसाब से ले सकते हो सरसों का ऑयल। इस तरह से आपको ऑयल लेना है। देखिए मैं ये थोड़ा सा ले रही हूँ, एक चम्मच के बराबर। अब इसमें आपको हल्दी डालना है। तो आपको हल्दी की क्वांटिटी पे आपको कितनी डालना है, आपको ये एक चम्मच से थोड़ी सी कम। तो इस तरह से आपको हल्दी डालना है, थोड़ी सी और डाल लेना है ताकि हमारा ये ऑयल ज़्यादा एकदम उबर के ना दिखे ऑयल। इस तरह से आपको डालना है दोनों चीज़ों को, इनको मिला लेना है। तो देखिए ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है आपको, हल्दी और ये सरसों का ऑयल का। तो इस तरह से देखो, ये अगर आपको गीली लगे तो आप थोड़ी सी और हल्दी मिला सकते हो, और ऑयल को आपको कम मिलाना है। तो देखिए इस तरह से आपको ये मिलाना है। तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाना हमें दोनों का। तो देखिए इस तरह से आपको पेस्ट तैयार कर लेना। देखिए इनको इस तरह से आपको मिलाना है, ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ऐसा गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट में आपको मिलाना है पेस्ट, तो आप टूथपेस्ट मिलाना है, कोई भी पेस्ट आप मिला सकते हो। मैं ये कोलगेट मिला रही हूँ, तो आप कोई भी पेस्ट आप मिला सकते हो। तो आपको पेस्ट भी आपको आधी चम्मच के बराबर ये बराबर की क्वांटिटी में आपको मिलाना है इस तरह से। इस तरह से आपको दो तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये बन के हमारी रेमेडी तैयार हो गई, इस तरह का ये पेस्ट बन गया है। देखिए इस तरह का ये हो गया है। अब आपको ही जैसे का अब इसको आपको इस तरह से आपको बना के तैयार कर लेना है, और इसको जब नाइट को आपको सोने के पहले आपको ये लगाना है। तो आपको लगाना भी किस तरह से है, इस तरह से आपको उंगली में लेना है, जहाँ हमारा कान का छेद है उसमें आपको छेद में अच्छे से भर के लगाना है। तो आपको छेद में अच्छे से भर के लगाना है, इस तरह से दबा दबा के आपको भर के लगाना। अगर आपका छेद ज़्यादा बड़ा है तो आप पीछे से कोई भी टेप वगैरह आप सपोर्ट ले लगा सकते हो, और उसमें आपको छेद में इस तरह से भरना है। अगर उंगली से नहीं भराती है तो आपको सीख से भी आप भर सकते हो। तो इस तरह से आपको भर के लगाना है अपने कान के छेदों में, और उसको अगर आगे से अगर सपोर्ट हो, अगर बड़ा है तो निकलती है तो हम आगे से भी थोड़ी सी कुछ टेप वगैरह चिपका लेंगे। अगर अगर छोटा है, मीडियम है, तो फिर ये चिपकने के बाद में वो नहीं निकलती है। तो इस तरह का सपोर्ट के बिना भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको हल्दी को रात को कान में भर के अच्छे से लगा के छोड़ देना है, रात भर ओवरनाइट को छोड़ना है, और सुबह जब आप नहाओ जब ये आराम से निकाल सकते हो। तो इसको ही ये नहाते टाइम या किसी भी टाइम पे आप आराम से निकाल सकते हो। निकालने के बाद में आपको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ देना है, और छोड़ देने के बाद में आप नाइट को फिर आपको ये कंटिन्यू आपको ये उपाय करना है। इस उपाय से आपका कान का छेद धीरे धीरे पुरने लग जाएगा, क्योंकि ये हल्दी भी ड्राई करती है और ये पेस्ट भी हमारी स्किन को ड्राई करता है, और ये थोड़े स्किन को ही सिकोड़ने में ही सिंक होने में ही बहुत ही अच्छे से काम करते तीनों चीज़ें मिलके। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू उपयोग करना है इसका, और आपको ही जैसे कि हमारा कान नॉर्मली हो गया है उसके टाइम पे भी, उसके बाद में भी थोड़े टाइम बाद में हमारे कान को खुला छोड़ना है और कुछ पहनना नहीं है। और जब थोड़ा और टाइम देने के बाद में ही आपको कुछ भी कान में पहनना है, और पहनने में ध्यान रखें कि हम छोटे बड़े जैसे भी पहने हम, और ज़्यादा टाइम तक नहीं पहनना है आपको। तो बड़े एयरिंग्स तो आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं पहनना है, छोटा ही पहनना है, और जिनको भी सपोर्ट के साथ पहनोगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका छेद ज़्यादा बड़ा कभी भी नहीं होगा और मीडियम ही रहेगा, और आपको ना ही किसी चीज़ का डर होगा अपने कान के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरीके का आप उपयोग ज़रूर करके देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा ये उपाय। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी टिप्स अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसी नई टिप्स लेके आपके साथ दोस्तों।